नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेज 1600 ईस्वी में व्यापार करने के नाते आए और धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर दिया। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की क्या स्थिति थी, ये भी आप जानते हैं। आज हम जिस विषय को पढ़ेंगे वो विषय 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित की गई इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत। विषय है और अध्याय का नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। प्रिय बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह से ये दो मुख्य उद्योग, कपड़ा उद्योग और लोहा उद्योग, भारत में किन किन दशाओं से गुजरे, औद्योगिक काल के दौरान कैसी स्थिति इन दोनों उद्योगों की रही। अध्याय के दौरान हम ये भी जानेंगे कि भारतीय बुनकरों की स्थिति क्या थी, किस तरह से उनकी व्यापारिक जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, इसके साथ ही फैक्ट्री चलाने वाले लोगों की दशाओं के बारे में भी हम इस अध्याय में जानेंगे। तो प्रिय बच्चों, आइए शुरू करते हैं ये रुचिकर अध्याय और समझते हैं कि किस तरह से भारत के ये दोनों उद्योग अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी दशाओं में कार्यरत थे। चलिए शुरू करते हैं अध्याय। प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। और आप सभी जानते हैं कि भारत उस दौरान ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण के मध्य गहरा संबंध था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय भूभागों पर कब्जा करने के बाद उन्होंने भारत के व्यापारिक ढांचे को बदलना शुरू किया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे बहुत अधिक लाभ होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस प्रकार ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। प्रिय बच्चों, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरे विश्व में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे देशों से बहुत आगे था। भारतीय कपड़े बहुत अधिक समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें जावा, सुमात्रा और पेनांग शामिल हैं, तथा पश्चिमी और मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं सदी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े की खरीदारी करने लगी थी। यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की भारी मांग थी। आकर्षक फूल पत्तियां, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। यहाँ तक कि इंग्लैंड के अमीर लोग भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनना पसंद करते थे। प्रिय बच्चों,
आइए जानते हैं कि ऐसी क्या खासियत थी इन कपड़ों की। इसे समझने से पहले हम कुछ कपड़ों को समझते हैं जो यूरोप और एशिया में उस दौरान प्रसिद्ध थे। इनमें सबसे पहले है मलमल। यह भारत से बना बारीक सूती कपड़ा था जिसे यूरोप के व्यापारियों ने सबसे पहले इराक के मौसूल शहर में अरब व्यापारियों के पास देखा। इसी आधार पर वे इसे मसलिन कहने लगे। प्रिय बच्चों, यहाँ मैं आपको एक और रुचिकर बात बताना चाहूंगी। वो ये है कि जो भारतीय कपड़े थे इनके जो नाम हैं उनका भी अपना एक अलग इतिहास था। अभी देखिए, जिस कपड़े की अभी हम बात कर रहे थे जिसे मसलिन कहा जाता था, बाद में इसी कपड़े को मलमल के नाम से जाना जाने लगा। दूसरा है कैलिको। अंग्रेज कालीकट से मसालों के साथ साथ कपड़े भी लेते थे, अतः कालीकट से निकले कपड़ों को वे कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को भी कैलिको कहा जाने लगा। प्रिय बच्चों, अगला जो सबसे प्रमुख कपड़ा है वह है शिंटच। यह शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकला है। यह रंगीन फूल पत्तियों वाला छोटे छापे का कपड़ा होता था। अगला है बंडाना। बंडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। इस तरह का कपड़ा खासकर राजस्थान के बाजार में उपलब्ध था। दूसरी तरह के कपड़ों का जिक्र भी उनके नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा जाता था, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता। कलकत्ता ये वही शहर है जिसे वर्तमान में हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। उड़ीसा, जिसे वर्तमान में ओडिशा के नाम से जानते हैं, और चारपुर आदि। इन शब्दों के प्रयोग से पता चलता है कि विश्व के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने प्रसिद्ध हो चुके थे। प्राचीन भारत में कपड़े के उत्पादन के अगर प्रमुख केंद्रों की बात की जाए तो कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर, ढाका और लखनऊ प्रमुख शहर थे जहां इन कपड़ों का उत्पादन होता था। प्रिय बच्चों, आइए इसी कपड़ा व्यापार को थोड़ा और अधिक समझते हैं। प्रिय बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1700 ईस्वी के आसपास यूरोप और एशिया के बाजारों में भारतीय कपड़े की मांग बहुत अधिक थी। 18वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज कपड़ा उत्पादक भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से परेशान हो चुके थे। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, जिससे इंग्लैंड में सिर्फ उन्हीं का कपड़ा बिक सके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। प्रिय बच्चों, यहाँ ये बात समझने वाली है कि अंग्रेज लोग अब भारत से सफेद मलमल अपने यहाँ ले जाते थे और वही भारतीय डिजाइन
जो पहले भारत में बनाए जाते थे अब इंग्लैंड में छपने लगे। और इसका भारत के उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा होगा ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। और इसी श्रृंखला में एक कैलिको अधिनियम पास किया गया। कैलिको अधिनियम क्या था आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तृत रूप में जानते हैं। कैलिको अधिनियम का यह नाम कैलिको अधिनियम क्यों रखा गया? 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के प्रयोग पर पाबंदी लगाने के लिए एक अधिनियम पारित किया जिसे कैलिको नाम दिया गया। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे और भारतीय कपड़े की वजह से जो परेशानी वहां के कारीगरों को हो रही थी उससे शायद निदान पाने के लिए ही इस अधिनियम को लाया गया। आइए अब मैं आपको एक मशीन के बारे में बताती हूँ। इस मशीन का नाम है स्पिनिंग जेनी। एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड्स और क्राइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जाने लगा। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय कंपनियां इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाती थी। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदा करती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीजें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। प्रिय बच्चों, यहाँ यह बात जानने वाली है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई और 1900 तक आते आते अनेक कपड़ा मिले, लगभग 84 कपड़ा मिलें भारत में शुरू हो गई थी। प्रिय बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कपड़ा कौन बनाता है? कपड़ा बुनकर बनाता है। बुनकर आम तौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के कारीगर होते हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को आगे बढ़ाते हैं। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमीन, दक्षिण भारत के साले तथा देबांग समुदाय बुनकरी के लिए मशहूर थे। प्रिय बच्चों, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का भारतीय कपड़ा बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा यह बात बहुत अधिक महत्व रखती है। ब्रिटेन में हुई सूती कपड़ा उद्योग की विकास की गति ने 19वीं शताब्दी के शुरुआत में भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया। इसके कारण
हमारे यहाँ यानी भारत में हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। उनकी जिंदगी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा और ये प्रभाव सबसे अधिक उन इलाकों पर पड़ा जहां बुनकरों की अच्छी खासी तादाद थी, खासकर बंगाल क्षेत्र पर। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना भी बंद कर दिया। इसलिए परेशान बुनकरों ने सरकार से बार बार सहायता के लिए गुहार लगाई। तो प्रिय बच्चों, आपने देखा कि भारतीय कपड़ा व्यापार किस तरह से 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पतन के दौर से गुजरा। 1854 में मुंबई में सूती मिल स्थापित होने के बाद 1900 तक आते आते भारत में सूती कपड़ा मिलों की संख्या 84 हो गई थी। अहमदाबाद में सूती कपड़े का पहला कारखाना 1861 में स्थापित किया गया। इसके बाद शोलापुर, नागपुर, दिल्ली और अमृतसर जैसे अनेक शहरों में सूती कपड़े के कारखानों की स्थापना की गई। प्यारे बच्चों, 18वीं शताब्दी में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे, आइए इसे मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। अगर आप सामने दिए गए मानचित्र को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 भागों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। पूर्वी बंगाल, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है, वहां स्थित ढाका कपड़े की बुनाई का एक मुख्य केंद्र था। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरामंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक समूह दिखाई पड़ता है, जिसमें प्रमुख रूप से मुसलीपट्टनम, पुलिकट, मद्रास, पांडिचेरी और नागापट्टनम प्रमुख हैं। पश्चिमी तट की अगर बात करें, देखिए भारत के पश्चिम में स्थित मुंबई, सूरत, अहमदाबाद जो थे, ये सभी कपड़ा उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। इस मानचित्र को देखने के बाद आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठा होगा, वो ये कि आखिरकार भारतीय सूती कपड़ा उद्योग तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः मुंबई में ही क्यों पनपा? आइए इसे समझते हैं। मुंबई में सूती कपड़ा उद्योग के लिए सहायक कारण आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। सबसे पहले, मुंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी के काफी नजदीक था जहां कपास की खेती होती थी। भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले व्यापार के लिए मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। मुंबई की जलवायु सम और आर्द्र होने के कारण यहाँ पर सूती धागा टूटता नहीं था। बंबई के आसपास के क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाले कुशल कारीगरों की संख्या बहुत अधिक थी। बंबई सड़क और रेल मार्ग के द्वारा हमारे देश के अन्य शहरों से जुड़ा हुआ था। शायद यही वजह थी कि मुंबई देश के सूती वस्त्र उद्योग का एक बड़ा केंद्र बन गया। तो प्रिय बच्चों, देखा आपने किस तरह से भारतीय कपड़ा उद्योग एक बार बहुत अधिक पनपा, फिर पतन की ओर चला गया और फिर इसने दोबारा
विश्व में अपनी जड़ें स्थापित करना शुरू की। प्रिय बच्चों, भारतीय कपड़ा व्यापार के साथ साथ भारत का लोह उद्योग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारतीय लोहे की अगर बात की जाए तो इस संदर्भ में टीपू सुल्तान की तलवार का वर्णन करना मायने रखता है। ये वही टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने 1799 तक मैसूर राज्य पर शासन किया और इनकी जो तलवार थी वो वुटर्स स्टील से बनी हुई थी और कहते हैं कि इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लोह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुटज नामक स्टील से पैदा हुआ था जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। भारतीय वुटज स्टील ने यूरोपीय व्यापारियों को और यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया। विश्व विख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फराडे ने भारतीय वुटज स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक गहन अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुटज स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। वुटर स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी जो कि ग्रामीण लोग अपने घरों में धौंकनी के माध्यम से किया करते थे। प्रिय बच्चों, धौंकनी जानते हैं आप? धौंकनी हवा फेंकने वाला एक यंत्र होता है जो अक्सर भट्टियां जिन पर लोहे को पिघलाया जाता है वहां पर काम में लाया जाता है। ज्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धौंकनी चलाती थी। वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती थी। प्रिय बच्चों, 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर भारत में लगभग खत्म हो गया। आखिर भारतीय लोह प्रगलन उद्योग पतन की तरफ क्यों गया? इसके मुख्य कारण थे। पहला कारण, वन कानून। वन कानूनों की वजह से भारतीय लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी मिलना बंद हो गई। फलस्वरूप लोहा पिघलाने वाली भट्टियां ठंडी पड़ गई। दूसरा कारण, करों में वृद्धि। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आने जाने की आज्ञा दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को भारी कर चुकाना पड़ता था। तीसरा कारण, इंग्लैंड से लोहे का प्रचुर मात्रा में आयात शुरू हो गया और इस आयातित लोहे के प्रयोग की वजह से भारतीय लोहे की मांग कम होने लगी। उसके बाद आखिरी वजह थी उद्योगों की स्थापना। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में भारत में भी नए लोह इस्पात उद्योगों की स्थापना हुई जिनसे मशीनों की सहायता से लोहे का प्रगलन शुरू हो गया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई टिस्को ने। आइए जानते हैं
टिस्को के बारे में। टिस्को कारखाने की स्थापना 1912 में जमशेदपुर में हुई। टिस्को कारखाने की स्थापना सही समय पर हुई थी। जब टिस्को की स्थापना हुई तो हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इंग्लैंड में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ा। इस प्रकार भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर निर्भर हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता टिस्को पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का एक सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। प्रिय बच्चों, टिस्को का पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी था। तो देखा आपने कि किस तरह से भारत में कपड़ा उद्योग और लोह उद्योग अनेक परिस्थितियों से गुजरा। आइए अब कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, वाष्प इंजन का आविष्कार कब हुआ? आपके विकल्प हैं 1736 में, 1768 में, 1786 में या 1796 में। सही विकल्प है 1786 में। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने सबसे पहले किस भारतीय प्रांत पर कब्जा किया? आपके विकल्प हैं बंगाल पर, पंजाब पर, मुंबई पर या मैसूर पर। सही विकल्प है बंगाल पर। अगला प्रश्न, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? विकल्प हैं जेम्स वॉट, जॉन के बुकानन या आर्कराइट ने। सही विकल्प है जॉन केन। अगला प्रश्न, टिस्को कारखाना किस नदी के तट पर स्थित है? प्रिय बच्चों, आपके विकल्प हैं गंगा नदी, गोदावरी, हुगली या सुबर्ण रेखा। सही विकल्प है सुबर्ण रेखा। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान ने मैसूर पर कब तक शासन किया? आपके विकल्प हैं 1760 ईस्वी तक, 1776 ईस्वी तक, 1799 ईस्वी तक या 1830 ईस्वी तक। सही विकल्प है 1799 ईस्वी तक। एक आखिरी प्रश्न, टिस्को में स्टील का उत्पादन कब शुरू हुआ? आपके विकल्प हैं 1892 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में या 1952 ईस्वी में। प्रिय बच्चों, इसका सही उत्तर है 1912 ईस्वी में। तो प्रिय बच्चों, देखा आपने किस तरह से यूरोप और एशिया के बाजारों में भारतीय कपड़े की मांग थी और किस तरह से भारतीय कपड़े ने कई वर्षों तक लोगों के दिलों पर राज किया और अपनी इन्हीं खासियतों के लिए आज भी विदेशों में ये सभी कपड़े, चाहे मलमल हो, चाहे शिंटच हो, चाहे छींट हो, चाहे कैलिको, अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। भारतीय मलमल आज भी विदेशों में अच्छी खासी मांग रखता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।